सबसे पहले आपने पढ़े चैप्टर में लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और उन लॉज से बन गई आपकी एक आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन के बाद सेकंड पॉइंट आया कि इसका कोई प्रूफ और हो सकता है या सिर्फ एक्सपेरिमेंटली बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ ही है। तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस रखी गई, जिसके पोस्टुलेट से हम प्रूफ करते हैं कि बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ भी ठीक है, और जिसके पोस्टुलेट से हमने बेसिकली उसके पोस्टुलेट में करेक्ट करके बनाया है वंडरवॉल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैसेस के लिए पोस्टुलेट सारे वैलिड हैं, सही हैं, एंड दिस वन इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके पोस्टुलेट बेसिकली जो मेन पोस्टुलेट थे वो ये थे कि गैस के पार्टिकल बिल्कुल जगह नहीं घेरते, कंटेनर का जो पूरी उन्होंने जगह घेरी है उसके मुकाबले उनके अपने पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल है, दूसरा का पार्टिकल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये दोनों पोस्टुलेट करेक्ट किए गए, तीसरा जो रियल गैसेस हैं या जो आइडियल और रियल, बाकी सारे पोस्टुलेट सब में सेम है कि इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर इन सब में तब लगता है जब ये वॉल से स्ट्राइक करते हैं, तो बाकी पोस्टुलेट सारे सही थे, सारे अभी भी हैं, रियल गैसेस के लिए भी हैं, आइडियल के लिए भी हैं। दो पोस्टुलेट्स ऐसे हुए जो आइडियल और रियल में वेरी कर गए। एक पोस्टुलेट वेरी कर गया वॉल्यूम करेक्शन, जिसे हमने कहा कि गैस के पार्टिकल जगह नहीं घेरते, ऐसा नहीं है, जगह घेरते हैं, और उसको वॉल्यूम करेक्शन कहा गया था, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। और बेटा वॉल्यूम करेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर गैस के ये जो पार्टिकल हैं, बेटा मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, ये जो गैस का एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तीसरा, ये पार्टिकल भी कुछ ना कुछ जगह घेरेंगे, और इन्होंने जो भी जगह एक्चुअल में घेर ली है, ये इनका जो अपना वॉल्यूम आया है, वो जगह बेसिकली गैस को घूमने के लिए नहीं मिली, और इसलिए पूरे कंटेनर में से वो वाला वॉल्यूम आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा, और गैस अब इतनी जगह में तो घूम सकती है, इतने में नहीं घूम सकती, और इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, या और भी कई टर्म्स है, को वॉल्यूम भी कहते हैं, और भी कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, फिलहाल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम बेसिकली रियल गैसेस के लिए है, आइडियल के लिए नहीं है। रियल गैसेस को वॉल्यूम में क्या है कि जो भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उसमें से माइनस करेंगे ये वाला वॉल्यूम, और इसे हम कह देते हैं को वॉल्यूम। और अभी मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं आपको, वैसे आपके लेवल में नहीं है ये, कि को वॉल्यूम की जो वैल्यू है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू, वो जनरली 4 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होती है, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसे 4 times ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं, यानी जो वॉल्यूम आना है ना पार्टिकल का, स्फीयर का वॉल्यूम कितना आता है, 4/3 πr³, तो उससे 4 times ये होता है, तो बी की वैल्यू 4 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है ना उससे 4 times होता है, और ये अभी हम प्रूफ भी दिखा देते हैं कैसे है, ओके, ठीक है। तो ये एक तरीके से वॉल्यूम का करेक्शन था, और अगर n मोल्स आ गए तो n से मल्टीप्लाई कर दी, और ऐसे ही दूसरा करेक्शन प्रेशर में था कि प्रेशर में ऐड करना पड़ता है, व्हाट ऐड करना पड़ता है हमें, प्रेशर का जो करेक्शन है a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये प्रेशर का करेक्शन, वो वॉल्यूम का करेक्शन, और इनको ऐड करके हमारी बन जाती है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस कह लीजिए, या p प्लस, मैं अगर एक पार्टिकल के लिए लिखूंगा तो a अपॉन v स्क्वायर, और अगर n मोल्स के लिए लिख रहा हूं तो ये आ गया v माइनस एन बी equals to RT या NRT. This equation is known as ideal gas equation का conversion van der Waals gas equation में हो गया, और यहाँ NRT, ठीक है, यानी N moles के लिए है। So basically एक question बहुत important है, B क्या है, ठीक है, ठीक है, B क्या है, what is B? So B है basically volume occupied by 1 mole of gas, ठीक है, और B की यूनिट क्या है, लीटर या फिर मीटर क्यूब पर मोल, पर मोल जरूर बोलना, 1 mole के लिए होती है, तो जितने मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसे यहाँ A क्या है, A क्या स्पेसिफाई करता है बेटा,
ए स्पेसिफाई करता है बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ए स्पेसिफाई कर रहा है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ए ज्यादा होगा, और जितने पार्टिकल बड़े होंगे उतना बी ज्यादा होगा। और बेसिकली अगर हम कहें पार्टिकल का रिपल्सिव फोर्स बी पे डिपेंड कर रहा है, ये दूर करने का काम कर रहा है बेसिकली, और ये फिलहाल उससे ज्यादा मतलब नहीं है। नाउ एक बारी पहले मैं इसको देख लेते हैं। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, एक बारी ये भी देख लेते हैं। एक आध बच्चे ने कहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बच्चों व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन जो थी पीवी इक्वल टू एनआरटी, उससे हम पता करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का बेसिकली क्या है। ठीक है, एक सेकंड, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ऑब्वियसली पीवी और एनआरटी बराबर होने चाहिए, और इसलिए पीवी अपॉन एनआरटी की वैल्यू 1 आनी चाहिए जो कि जेड होती है। और यहां पे हमने ये वाला वी, ये वी बेसिकली हमने रखा है एक्सपेरिमेंटल वी, यानी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, और ऊपर आ गया एक्सपेरिमेंटल वी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आया, और ये नीचे पी एन आर टी, ये आइडियल यानी थियोरेटिकल वैल्यू से पुटअप किया। तो ये वी आइडियल कह सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी वाली थियोरेटिकल वैल्यू जो आइडियल गैस थी वहां से। और ये वाला जो रेशियो है, यानी थ्योरी कह रही है कि इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे 1 मोल का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, ये थ्योरी कह रही है। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, और जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसी प्रेशर और टेम्परेचर रख के एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम मेजर किया, और एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम जब मेजर किया वो इससे ज्यादा आ रहा था। अगर इतना ही आ गया, यानी जेड की वैल्यू 1 आ गई, तो आइडियल कंडीशन होगी। अगर Z मोर देन 1 आया है, तो बेटा Z मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि गैस को जगह इतनी घेरनी चाहिए, वो इतनी घेर रही है, इसका मतलब वो कंप्रेस होने को तैयार नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, लेस कंप्रेसिबल, और कह सकते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, रिपल्शन ज्यादा है। और अगर हम Z की वैल्यू देखें लेस देन 1, तो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, पास आ गए हैं, और जगह इतनी घेरनी चाहिए उससे कम में ही अरेंज है, यानी ये कंप्रेस होना आसान है। दिस वन इज जेड लेस देन 1। और ये जरा याद रखिएगा इस फॉर्मूले में, या यहाँ पे भी जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो ये वाला P और ये वाला V अलग अलग है। क्या अलग अलग है? ये वाला P आइडियल वाले से निकाला गया है, जबकि ये वाला V रियल का है। रियल कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है उस समय की, ठीक है। अब मैं जरा एनसीईआरटी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बेटा एनसीईआरटी में, देखिए यहां से अगर हम देखें, यहां से एक बारी थोड़ा सा बता ही देते हैं और पीछे से, ओके, यहां से कि रियल गैसेस डेविएशन शो करती हैं आइडियल गैसेस से, रियल गैसेस शोस डेविएशन, ठीक है। तो यहां इन्होंने एक जनरल दिया है कि एक जनरल इक्वेशन तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, ठीक है। और पीवी और पी का प्लॉट, बेटा पीवी और पी का प्लॉट स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आया सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। बाकी गैसेस के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए या बाकी गैसेस के लिए प्लॉट स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, यानी वो प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीपल, ये कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ से, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये कांस्टेंट नहीं आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम दिखी उन्हें। फिर उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का ही ग्राफ बना के देखा। उन्होंने कहा जब बॉयल फ्लो का यहाँ बेड़ा गर्ग हुआ है, सत्यानाश हुआ, तो यहाँ भी हुआ होगा। तो यहाँ उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का एक पहले आइडियल वैल्यूज से ग्राफ निकाला, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट से अपनी वैल्यूज पुटअप करके फिर ग्राफ बनाया। दोनों ग्राफ को सेम स्लोप फॉलो करना चाहिए, लेकिन आइडियल का ग्राफ कुछ और आ रहा है, रियल का ग्राफ कुछ और आ रहा है, बहुत किसी एक स्पेशल पॉइंट के लिए दोनों ग्राफ को इंसाइड कर रहे हैं, अदरवाइज दोनों ग्राफ अलग अलग चल रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ तो गई भैंस पानी में। व्हाट डू यू मीन बाय गई भैंस पानी में? इसका मतलब ये होता है कि जितना किया धरा था वो सब गड़बड़ हो गया। ये जो आइडियल हमने बनाया था, जो सारे अजम्पशन थे, वो एक्चुअल में रियल में नहीं लग पा रहे हैं। अब इन्होंने दो अजम्पशन पे फिर से गौर किया। गौर करने वाला साइंटिस्ट हमारा वंडरवॉल था, और उसने ये कहा देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, एक इस अजम्पशन पे सोचने की जरूरत है,
और वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस. तो इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई. इन दो बातों पे इन्हें सोचने की जरूरत है. और इन्होंने ये दो करेक्शन निकाले हैं, एक वॉल्यूम करेक्शन निकाला है और एक प्रेशर करेक्शन निकाला है. तो प्रेशर का करेक्शन टर्म है, देखो इन्होंने कोई प्रूफ या कुछ नहीं, डायरेक्ट दे रखा है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. लेकिन ठीक है, मैंने आपका इसका प्रूफ भी निकाल के रखा है आज कि ये एन स्क्वायर क्यों है, वी स्क्वायर क्यों है, तो वो भी अभी आपको दिख जाएगा. ठीक है, और ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आया था. तो गैसेस का रियल प्रेशर इतना लग रहा है, जबकि गैसेस में प्रेशर लगना कितना चाहिए, इन दोनों का सम. ये जो ऐड किया, ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि गैस के पार्टिकल पीछे से अट्रैक्ट थे तो उन्हें भी आके लगना था, इसलिए यहां ये आया है. और सिमिलरली वॉल्यूम करेक्शन में एन इंटू बी आ गया. ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन में ये बी इनका अपना स्पेस जिन्होंने ऑक्यूपाई किया वो है. और अब आ गया इसके बाद अगला पॉइंट, ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड. देखो एक लाइन यहां देखिए, द डेविएशन ऑफ आइडियल गैस या डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज अनदर अप्रोच टू मेजर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. और यहां बीच में लिखा है कि रियल गैसेस आइडियल की तरह कब काम करेंगी, जब व्हेन देयर इज अ वेरी लो टेंपरेचर, सॉरी ओके, व्हेन देयर इज हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर, ये डेविएशन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, वो बताया जा रहा है. अब Z की वैल्यू PV अपॉन nRT लिख दी है. अभी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ये V और P अलग है, आगे आपको दिख जाएगा. फॉलोड बाय ये ग्राफ आए Z इक्वल्स टू PV अपॉन nRT के ग्राफ. ठीक है, तो बच्चों ये Z इक्वल्स टू PV अपॉन nRT के ग्राफ आपको पहले ही बताए हैं. हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी गैसेस के लिए पहले नेगेटिव डेविएशन फिर पॉजिटिव डेविएशन. यहाँ थोड़ा सा नाइट्रोजन का भी अलग ग्राफ दिख रहा है. ओके, यहाँ देखिए बेटा, जो आप वैल्यू एक आध बच्चा पूछ रहा था शायद, तो यहाँ से आपको क्लियर हो कि ये लिखा है बेटा, अगर जेड की वैल्यू मोर देन वन होती है देन इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस. तो जहां पे भी जेड की वैल्यू मोर देन वन है, जनरली ये देखा गया हाई प्रेशर पे, ये अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, एट हाई प्रेशर है. तो एट हाई प्रेशर इट इज मोर देन वन एंड मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और लो प्रेशर पे लेस देन वन है. एक वर्ड हमारा पिछले बार छूट गया है, विच इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर. ये पूछा बहुत जाता है, फर्स्ट टर्म का फेवरेट क्वेश्चन है, बॉयल्स टेम्परेचर क्या है. तो बेटा अगर आप ये डेफिनेशन देखेंगे तो भी क्लियर होगा, पहले समझ लेते हैं फिर देख लेंगे कि बेसिकली जो बॉयल्स लॉ है या जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो नहीं हो रही. तो बेसिकली वो टेम्परेचर जिस पे बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है विद ए क्वाइट रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर की एक अच्छी खासी मॉडरेट रेंज में फॉलो हो रहा है. तो द टेम्परेचर एट विच बॉयल्स लॉ इज फॉलोड एट ए मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर. कहने का क्या मतलब है, द बिहेवियर ऑफ गैसेस बिकम्स मोर आइडियल व्हेन प्रेशर इज लो. ठीक है, गैसेस आइडियल हो जाती है व्हेन प्रेशर इज लो. अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस फॉलो आइडियल गैस लॉ, किस प्रेशर तक फॉलो करेगा, दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. एंड द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है, मॉडरेट की जगह एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर कहा है, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, सॉरी दिस इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर. इसे हम कह रहे हैं बॉयल्स टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which real gases obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is called Boyle's temperature. ठीक है बेटा, और इसके बाद simply वही है. ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए आके इन्होंने एकदम साफ साफ क्लियर किया है कि एक्चुअली ये क्या है, Z is P into V real लिखा है. What is V real? अगर आपको दिख गया हो, ठीक है, V real क्या होता है, ठीक है बेटा, what is V real? Real means experiment किया उस समय जो आ रहा है वो V real है, और एक observed होता है, एक real है. और यहाँ पे V ideal आ गया, nRT upon P से V ideal आ गया, और ये V real upon V ideal का है.
सरल भाषा जो सिंपल रखते हैं हम, एक एक्सपेरिमेंटल, एक थ्योरेटिकल है, एक एक्चुअल है और एक थ्योरी की वैल्यू है, वो ये आ गया। और इन दोनों का जो रेशियो है वो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, अब आपका अगली हेडिंग तो आएगी, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो पूछेगा। अब बेटा आप डाउट पूछो, बेटा जिस जिस बच्चे ने आज कहा था कुछ डाउट्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन में या वंडर वॉल्स में, वट एवर, प्लीज आस्क। अब पूछिए अगर डाउट अभी भी है तो। हाँ, बी की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम है, प्रूफ कर देंगे। और बोलो, कोई डाउट नहीं लग पूछना चाह रहा है फिर भी आप पूछे ना पूछे, हम बताएंगे जरूर। ठीक है, देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, वंडर वॉल इक्वेशन, और ऑब्वियसली मैं जल्दी जल्दी खाली मेन चीजें आपको बताने जा रहा हूं। वंडरवॉल इक्वेशन में वॉल्यूम करेक्शन हमें देखना है। ठीक है, दो करेक्शन किए हैं जिसमें पहला वॉल्यूम करेक्शन है। वॉल्यूम करेक्शन में क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैसेस पजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम, रियल गैसेस में हमेशा डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है बेटा, और बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा हायर लेवल है क्योंकि बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल पर मोल ऑफ गैस। तो ये बी जो हमने माना है ये इफेक्टिव वॉल्यूम है जो जगह वो घेरते हैं और जो एक्चुअली इनसे 4 गुना ज्यादा है। मतलब 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम अगर 10 ml है तो ये 40 ml जगह घेर लेते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो आइडियली वॉल्यूम इन्हें घूमने के लिए या मूवमेंट के लिए मिल रहा है v - b 1 मोल गैस के लिए, और ये आपका एक तरीके से वॉल्यूम करेक्शन आ गया है विच इज टर्म्ड एज v - b। मतलब आइडियल केस में जो हमें वैल्यू पुटअप करनी है, वी आइडियल जो पुटअप करेंगे, v - b पुटअप करेंगे और n मोल्स हैं तो nb। अब हमें b क्या है ये देखना है। b को हम को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कई नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ये वाली जो अब मैं हेडिंग बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ कॉम्पिटिशन के बैचेस की होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग कैप्चर कर लोगे, अच्छे बच्चे हो। The excluded volume is 4 times of the volume of the gas. जितना actually में जो पार्टिकल का रेडियस निकालोगे 4/3 πr³ से, उस रेडियस से वॉल्यूम निकालोगे, एक्चुअल वॉल्यूम उससे 4 गुना ज्यादा होता है। कैसे, एक बार ही समझेंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक ही बार समझ में आ गया तो सही है, नहीं तो हटाओ। ये है, कंसिडर अ बाई मॉलिकुलर कोलिजन। बाई मॉलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल आके बेटा टकराए, दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, दिस कोलिजन इज नोन एज बाई मॉलिकुलर कोलिजन। तो ये फोटो अगर आपको दिख जाए तो समझ में आ जाए, ये हमने एक बेसिकली एक ओवरऑल कंटेनर कह दिया है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये दोनों टकराए। तो ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो दूसरे वाले का भी रेडियस क्या हुआ स्मॉल आर, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 2r। यहां तक समझ में आना चाहिए कि मैंने ये कोलिजन दिखाया है कंटेनर के अंदर, ये कोलिजन हो रहा है। अब मैंने ये खाली सर्किल लगा रखा, उससे अभी आप मतलब मत रखो कि ये आपको कोई चूजा दिख रहा है, वो मत करो, दिमाग लगाओ कि ये दो एटम्स हैं और ये जो पॉइंटेड बीच में दिखाए हैं ये इनके न्यूक्लियस हैं। अब ये दो एटम आके टकराए, बेटा जब ये टकराए तो ये जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, क्योंकि इन्होंने कितनी जगह घेरी ये देख रहे हैं, तो ये स्मॉल आर मिलके हो गई 2r। बोलो क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 2r। वेरी गुड, अब धीरे धीरे बताते जा रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, नाउ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम हटाते हैं, खाली ये 2r नहीं हटाते, इसका 4 गुना ज्यादा हटाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी तो 2r है तो वॉल्यूम निकालना चाहिए इतना, लेकिन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इससे 4 गुना ज्यादा दिखेगा। कैसे, देखिए बेटा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर मॉलिक्यूल निकालना है, कितना वॉल्यूम हमें हटाना है, कितना वॉल्यूम हम कंसिडर नहीं करेंगे वो देखना है। देखिएगा बेटा, ये है 4/3 πr³। व्हाट इज दिस 4/3 πr³? 4/3 πr³ तो होता है वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, लेकिन मैंने यहाँ 2r लिखा है, मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप है उसका, है ना, यानी ये दो मॉलिक्यूल्स जो जगह घेर रहे हैं बेसिकली वो कह सकते हो आप। तो 4/3 πr की जगह 2r लिया है क्योंकि इन दोनों के बीच में हो रहा है ये,
इसका क्यूब कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी ली है। नाउ अगेन बेटा ये आपकी कैलकुलेशन आ गया 8 × 4/3 πr³। बात तो एक ही है, मैंने इस 2 का क्यूब कर दिया 8 आया, इस 8 को उठा के बाहर रख दिया तो 8 × 4/3 πr³ हो गया है। तो अगर आपको समझ में आया ये 8 वर्ड थोड़ा सा अलग है, लेकिन अभी तो दो एटम है ना, बेसिकली टू पार्टिकल्स का ये तो दिख रहा है ना, 2r टू पार्टिकल है, तो 1 पार्टिकल के लिए एक्सक्लूडेड कितना होगा, इसका आधा करो, ये तो दो पार्टिकल के लिए है, पर मॉलिक्यूल के लिए कितना हुआ, दो मॉलिक्यूल या दो पार्टिकल के लिए, तो एक पार्टिकल के लिए आधा करो, आधा करोगे तो ये 8 का आधा 4 हो गया। और बेटा जैसे ही ये 8 का आधा 4 हुआ तो बाकी चीज तो ऐसे ही है, ये क्या कहलाता है 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ वन एटम या वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एटम, तो ये वन मोल ऑफ एटम का 4 times ज्यादा है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो वाई एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 times मोर, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 times मोर क्यों है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, बी की वैल्यू 4 times होती है वी या वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस के, ठीक है, तो बी इज 4 times और दिस, ठीक है, ये 4/3 πr³। और अगर कई सारे मोल्स हैं तो जितने हैं वो लेंगे, वन मोल के लिए वैल्यू है तो वन मोल रहेगा, और वन मोल की जगह उन्होंने कहा नहीं भाई नेट नंबर बताइए, वन मोल में इतना है, वन मोल में एन ए पार्टिकल्स होते हैं तो इसलिए एन ए मॉलिक्यूल कह सकते हैं नेट। इसकी यूनिट का जरा स्पेशली ध्यान रखिएगा, कई बच्चे खाली बी की यूनिट लिखाते हैं लीटर, क्योंकि उन्हें याद होता है वी और बी की यूनिट सेम है, ध्यान रखिएगा लीटर पर मोल है, क्योंकि बी एक मोल की वैल्यू होती है, तो प्लीज इसे ध्यान जरूर रखिएगा, स्कूल के टीचर बहुत पूछते हैं, भले ही ये डायमेंशन वाले खाली लीटर क्यूब मान लेते हैं, एल क्यूब मान लेते हो, बट ध्यान रखिएगा लीटर पर मोल, और लीटर की एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो मीटर क्यूब पर मोल आप इसको लेके चलेंगे या डेसीमीटर क्यूब पर मोल जो भी कन्वर्जन करना चाहें। तो ये हुआ पहला करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। पहले करेक्शन में किसी बच्चे को कोई भी डाउटे तो छोटा मोटा सवाल पूछे, वेरी गुड। अब प्रेशर करेक्शन में एक पॉइंट कल ज्यादा तंग कर रहा था कई बच्चों को कि वो ये एन स्क्वायर क्यों होता है, अगर आज समझ में आ जाए तो अच्छा है, स्लाइड से भी दिखाते हैं। एक्चुअली क्या है उसमें एन अपॉन वी एक और एन अपॉन वी दूसरे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। नाउ हम प्रेशर करेक्शन में समझते हैं व्हाट इज दिस एन अपॉन वी एक और दूसरे का है। बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, ठीक है, आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर, मतलब जो भी पार्टिकल बीच में है तो उसमें बाकी पार्टिकल के साथ एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं एक दूसरे को बेसिकली कैंसिल कर देते हैं, बट गैस मॉलिक्यूल which is going to strike the wall of the container experience inward force due to imbalance interaction. I hope so, ये वाला word आपको समझ में आया हो। बेटा ये वाला word क्या है मैं एक बारी बताना चाहूंगा, क्या है बच्चों ये कहना चाह रहे हैं जो अंदर पार्टिकल है वो हर तरफ से बैलेंस इंट्रैक्शन शो कर रहा है, और हर तरफ से क्योंकि बैलेंस इंट्रैक्शन है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन जो पार्टिकल यहां आके टकराया उसको इधर तो बैलेंसिंग या अट्रैक्टिव फोर्स खींच रहे हैं, लेकिन वॉल की तरफ जहां वो टकरा रहा है वहां इंबैलेंस है। तो ये वाली वर्ड हमने कहा है बेटा यहां बेसिकली द गैस मॉलिक्यूल विच इज जस्ट गोइंग टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ द वेसल एक्सपीरियंस इनवर्ड, उसे पीछे से कुछ खींचे जा रहे हैं, जैसे हमारा एक बेसिक एग्जांपल था आप किसी को स्लैप करने जा रहे हो और पीछे से आपको कोई खींच रहा है, तो वही वाला बस ये है कि अब भी झापड़ तो पड़ ही जाएगा क्योंकि आप मारने जा रहे हो गुस्से में हो, लेकिन कुछ कम फोर्स से पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है वॉल, ये है पार्टिकल, ये इसको पीछे के पार्टिकल है, इट स्ट्राइक विद लेस मोमेंटम, क्यों भैया लेस मोमेंटम मैंने समझा दिया, क्योंकि पीछे कोई ना कोई खींच रहा है, जबकि आइडियल केस में किसी को खींचना नहीं है, और ऑब्जर्व प्रेशर विल बी लेस देन आइडियल, क्यों, क्योंकि आइडियल केस में तो पीछे किसी को खींचना ही नहीं है, इसका मतलब आइडियल प्रेशर क्या होगा, ऑब्जर्व प्रेशर में कुछ हमें करेक्शन करना पड़ेगा। आइडियल प्रेशर क्या होगा, जो भी ऑब्जर्व या रियल प्रेशर जिसे कहते हैं आपको दिखा है
उसमें आप कुछ ना कुछ करेक्शन करेंगे, दैट इज प्रेशर करेक्शन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर कहा था, वो है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जर्टेड बाई सिंगल मॉलिक्यूल अबाउट टू स्ट्राइक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जरा ये पॉइंट ध्यान रखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द बल्क ऑफ गैस। ठीक है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है एक सिंगल मॉलिक्यूल अबाउट टू स्ट्राइक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं भी आया तो अगले पॉइंट से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग वॉल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, और जितने ज्यादा स्ट्राइक करेंगे ऑब्वियसली उतने ज्यादा प्रेजेंट भी है। ठीक है, तो अब जो चीज देखनी है उसे ये समझिए कि दीज फैक्टर आर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन, ठीक है, या अट्रैक्टिव फोर्सेस कह सकते हैं, जो कि बेसिकली डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी कह दिया है, डेंसिटी के स्क्वायर के या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डेंसिटी आपको पता होगा मास अपॉन वॉल्यूम होती है, बेसिकली डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। और मास बाय वॉल्यूम के लिए आपका मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और इसलिए यहां आ गया मास हटा के खाली वॉल्यूम का स्क्वायर। बेटा फिर से देखिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये डेंसिटी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, यूनिट वॉल्यूम पे। और ये प्रेशर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर है, डेंसिटी का स्क्वायर कह लीजिए, या यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कॉन्स्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं है, तो वो बेसिकली इधर आ गया है। तो यहाँ पे P is inversely proportional to V square है, और यहाँ आ गया है P is equal to A upon V square, और A upon V square का मतलब अगर N particle आ गए तो N, क्योंकि वो भी square में जाएगा volume के हिसाब से, तो ये आ गया P plus A upon V square एक particle के लिए, और कई particle के लिए N square, A square, V square। ठीक है, this equation is obeyed by real gas over a wide range of temperature pressure, and it is known as van der Waals equation, और A की unit है, आपको पता ही है, B की तो पहले बता दिया, A की unit है atmosphere liter square per mole square। जरा इसमें भी ये वाला जरा last ध्यान रखिएगा, atmosphere liter square per mole square। आपको बता दिया गया है एक बारी पहले A का क्या significance है, B का significance था particle size, A का significance था force। A basically किसको defend कर रहा है, को करेक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बी किसके लिए है, साइज के लिए। तो ए गिव्स एन आइडिया ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लार्जर द वैल्यू ऑफ ए लार्जर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। गैसेस कैन बी, बेटा ये अगली हेडिंग है, गैसेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए कैन बी लिक्विफाइड इजिली, जिन भी गैसेस में ए ज्यादा है वो लिक्विफाई जल्दी होती है। बी बेसिकली बी क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, रिप्रेजेंट को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, that is 4 times of volume occupied by the gas per mole. The value of B remains constant over a wide range of temperature and pressure, which implies that the gases, that gas molecules are incompressible. कोई खास पॉइंट नहीं है बेटा। Now, एक दो क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, कौन कौन जग रहे हैं ये देखने के लिए, बताइए बेटा आंसर। Excluded volume is dash time 1, 2, 3, 4 and 5। अच्छा ऑप्शन ही देखे, वेरी गुड, ठीक है, आई होप सो सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ बी, ठीक है, अरे भैया अलीशा तुम, अच्छा थर्ड ऑप्शन कहा होगा, थ्री नहीं कहा होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, यूनिट ऑफ बी क्या है, लीटर पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, और ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अरे बेटा जल्दबाजी हो गई, हाँ ऑल ऑफ दीज आएगा, एक बच्चे ने लीटर पर मोल देखा और तुरंत बोल दिया यस ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही है, ये सारी एक ही बातें हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन इज, बेटा ये कौन सी इक्वेशन वैन डर वाल्स इक्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, आई होप सो ये आपके लिए थोड़ा आसान है।
एंड कोई बच्चा गलत ना करे, ऑप्शन लिखो विच इज वंडरवॉल इक्वेशन. ठीक है, वेरी गुड संजना. श्रेया बेटा कहीं कुछ गलती हो रही है, एक बार चेक करो कहां गलत किया आपने. वेरी गुड, बाकी बच्चे अब सही हैं, वेदई सही है एंड मानसी सही है बेटा. वेरी नाइस. ये देखिए ए में गलती क्या है, यहाँ एन सॉरी यहाँ माइनस दे दिया, ये माइनस नहीं होता. बी में गलती क्या है, यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस होता है. सी में क्या गलती है बेटा, ये प्लस सही है, ये माइनस होता है. और टेम्परेचर भी टी नॉट कुछ नहीं होता, टेम्परेचर इन केल्विन लिया जाता है, हमेशा जीरो डिग्री नहीं होता. और डी एकदम करेक्ट है, इसलिए डी आंसर इज करेक्ट. और सी में खाली टेम्परेचर नहीं, एन बी की भी गलती है, इसलिए हमने कहा है दो गलतियां हैं इसमें. दिस वन बी और सी दोनों ही गलत है. ठीक है, सो इट इज डी. अब हमें जेड की एक स्लाइड देख लेते हैं. ठीक है, वंडरवॉल ने कहा है एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. बताओ बेटा, और ये मैं अभी आपको बना के भी दिखा सकते हैं, मतलब इसका डेरिवेशन भी करा के दिखा देते हैं क्या है बेटा. अगर वेरी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है तो आई होप सो आपको क्लियर है. लेस डेविएशन मोर डेविएशन, मतलब टुवर्ड्स आइडियल डेविएट फ्रॉम आइडियल. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा. जब हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, तो चीजें दूर हो जाती हैं, पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है कंटेनर के मुकाबले, अट्रैक्शन कम हो जाता है. ओ संजना बेटा सोच के, लेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बोलना है. ठीक है, अच्छा दोनों पॉइंट में लाने थे. ओके, तो अगर बहुत कम प्रेशर है और टेम्परेचर ज्यादा है तो ए अपॉन बी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद हम कह सकते हैं ये इक्वेशन हमारी PV इक्वल टू NRT आएगी. दिस एक्सप्लेन बिहेवियर एट लो या वेरी लो प्रेशर. केस टू मॉडरेट प्रेशर है. बच्चों अगर मॉडरेट प्रेशर है तो अब आपको ये देखना है कि ये मोर देन, मतलब व्हाट वी कैन से, Z की वैल्यू मोर देन वन आएगी, लेस देन वन आएगी, ऐसे कह सकते हैं, या पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन है ये है. तो मॉडरेट जब प्रेशर होता है तो ए अपॉन वी स्क्वायर इंक्रीजेस एंड कांट बी नेग्लेक्टेड. ठीक है, तो ए अपॉन वी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट वॉल्यूम इज स्टिल लार्ज इन कंपेरिजन टू बी, और इसलिए ये डेरिवेशन आ गया. ये मैंने अभी आपको कहा है, ये बेसिकली कह रहे हैं नेगेटिव डेविएशन आ गया दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा. बोलो कोई डाउट है? सो ये वाला रिपीट कर दीजिए पॉइंट. बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो मैंने पहले ही कह दिया p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी. चलिए मैं इसको ना रिपीट ऐसे ना करके ऐसे कर देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, इसको ऐसे रिपीट किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बेटा ये इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी. ठीक है बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ मॉडरेट प्रेशर है, जरा कॉमन सेंस लगाना. मॉडरेट मतलब इस कमरे का या आप जहां बैठे वहां का प्रेशर मॉडरेट है. तो मॉडरेट प्रेशर जब होता है तब भी गैस के पार्टिकल पूरे कमरे में है, लेकिन गैस के पार्टिकल का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता. दैट मीन्स मॉडरेट प्रेशर के समय जो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम है उसको कंसिडर करने की जगह या जरूरत नहीं है. जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि ये इस कमरे का वॉल्यूम कितना है, इस कमरे में हम कितना सामान रख सकते हैं, तो वॉट एवर, इसमें हम कभी भी ये नहीं कहते अरे भाई इतनी जगह तो गैस नहीं घेर रखी इससे माइनस करो, इसकी जरूरत नहीं है. तो मॉडरेट प्रेशर में हम ये नहीं कहते. तो ये चीज नेग्लेक्ट हो गई बच्चे. अगर ये नेग्लेक्ट हो गई तो अब बचा क्या, अब ये खाली वी बचा. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा. बोलो क्लियर है? और अब मैं कह रहा हूं पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दीजिए. और अगर आप आर टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे होंगे तो आई होप सो ये आ गया पी वी अपॉन आर टी, ये आ गया ए अपॉन आर टी वी, और ये आ गया वन. और पी वी अपॉन आर टी ही हमारा बेसिकली जेड होता है, और ये आ रहा है वन माइनस ए अपॉन आर टी वी. दैट मीन्स वन माइनस समथिंग, ये तो जेड है. तो बेसिकली जेड की वैल्यू कुछ कम आ रही है. और इसे एक बारी दोबारा आप अब देखिए, अब आपको जल्दी समझ में आएगा बेटा. ये रही इक्वेशन, आपको ये समझ में आ गया खाली वी क्यों लगा है, वी माइनस बी का खाली बी नेग्लेक्ट किया गया है. अब बच्चों ये देखिए, ब्रैकेट ओपन कर दिया या वॉट एवर,
पीवी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी बचा है, ठीक है। आई होप सो यही आया होगा वहां से भी, ठीक है, एक सेकेंड चेक कर लें, यहां से भी यही आया होगा, पीवी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी, यही था आई मीन टू से, ठीक है, ओके ओके। तो ये आ गया, इन्होंने मतलब आर टी से डिवाइड नहीं किया, मैंने आर टी से डिवाइड पहले कर दिया, इन्होंने अब बाद में किया है, और ये वाली वैल्यू आ रही है जेड इज इक्वल टू वन माइनस दिस, और वन से अगर माइनस कर रहे हैं तो वन से छोटा आएगा। बेटा अब क्लियर है ये नेगेटिव डेविएशन है? यस सर। वेरी गुड। अब हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो आप सोच सकते हो एट वेरी वेरी हाई प्रेशर, कॉमन सेंस, जब प्रेशर बहुत ज्यादा लगाओगे, मतलब जैसे एक सिलेंडर है जिसके अंदर एलपीजी गैस भरी है या ड्योड्रेंट भरे हैं, अब मैं चाहूं सिलेंडर में और गैस भर दूं, तब क्या कहा जाएगा? अरे भैया ये ऑलरेडी फुल है, इसमें और गैस कैसे भरेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय ऑलरेडी फुल है? तब हम कहेंगे गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। तो अगर वहां वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है तो वहां बेसिकली प्रेशर बहुत हाई हो गया है। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर आप ये चीज सोच के देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं, ये इक्वेशन थी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस वी इक्वल टू आर टी, और इस समय ये कंसिडर करना है और ये नेग्लिजिबल है। क्यों है नेग्लिजिबल? a अपॉन वी स्क्वायर नेग्लिजिबल क्यों है? बेसिकली हम कह रहे हैं ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब प्रेशर जब बहुत ज्यादा है तो इस करेक्शन का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। समझ, कॉमन सेंस लगा के सोचो हम क्या कहना चाह रहे हैं। वही वाला एग्जाम्पल, वो झापड़ वाला स्लैप, आप स्लैप करने जा रहे हैं, पीछे से किसी ने पकड़ लिया, और अगर पीछे से किसी ने पकड़ लिया तो कुछ प्रेशर कम से आपने स्लैप किया। लेकिन जब आप प्रेशर, मतलब जब आप बहुत गुस्से में बहुत तेजी से भागते हो, मारने जा रहे हो, पीछे लेट सपोज एक बहुत लीन एंड थिन 2-3 साल का बच्चा छोटा सा, वो आपके हाथ खींच रहा है, और फिर भी आपने मार दिया, और फिर आप कहो कि अभी तो इस बच्चे ने हाथ खींचा था तो थोड़ा धीरे लगा है, इसने हाथ नहीं खींचा तो कितना तेज लगा होता। अरे भाई, जब आप बहुत गुस्से में बहुत तेजी से मारने जा रहे हैं, उस समय उसने खींचा या छोटे से ने खींचा या नहीं खींचा, वो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। तो एट वेरी हाई प्रेशर, जब ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस समय इस करेक्शन की कोई औकात नहीं है। और अब ब्रैकेट ओपन कर दो, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी दिखेगा, अगेन वही वाला पॉइंट, आर टी से सबको डिवाइड कर देते हैं हम, तो पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन दिखेगा। ये टर्म यहां ले आइए और इसको z लिखिए, तो z की वैल्यू मोर देन वन आपको दिख जानी चाहिए, वन में कुछ ऐड कर रहे हैं, मोर देन वन आएगा ही आएगा, ठीक है। एट वेरी हाई प्रेशर, बेटा जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, v ऑफ गैस इज सो स्मॉल, b कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो b को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए a अपॉन v स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ये इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन में वन से ज्यादा आ रही है। इट एक्सप्लेन्स पॉजिटिव डेविएशन लेस कंप्रेसिबल गैस, ठीक है। और बेटा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, द वॉल्यूम ऑफ जेड या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन एंड इंक्रीजेस विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है। और ये क्यों है? क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, और ड्यू टू स्मॉल साइज इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होते, क्योंकि डिफॉर्म नहीं होते, और इसलिए a अपॉन v स्क्वायर नेग्लिजिबल होता है। आई होप सो ये आपको याद आ गया है, इसलिए ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन वन, और प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। लिमिटेशन ऑफ वंडरवॉल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन इज मोर एक्यूरेट देन आइडियल गैस, रियल गैसेस के लिए वंडरवॉल गैस इक्वेशन ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और ये कब डेविएशन ज्यादा करते हैं, आपको कल भी बताया है, पता है, अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे और टेम्परेचर कम करोगे डेविएट करेंगे, और इसका उल्टे में कम डेविएट करेंगे, डेविएशन एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि ए एंड बी आर डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। भैया एट मॉडरेट प्रेशर विच ऑफ वन फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड, मॉडरेट प्रेशर ठीक ठाक प्रेशर है, जैसे इस समय रूम का प्रेशर है, क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? ए बी बोथ नन, टाइप योर आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने पढ़ा है, याद आ रहा है, सब लोग सही कह रहे हैं।
और बेटा वेदही क्या कर रही हो, और ए और बी कॉन्स्टेंट है, बस उन्हें मॉडरेट प्रेशर क्या होता है इस समय रूम का प्रेशर, तो इस समय हम गैस के पार्टिकल्स को नहीं देखते, मॉडरेट प्रेशर के समय आप बी नेग्लेक्ट करते हो, एट वेरी हाई प्रेशर जब होता है तो अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट करते थे, याद आया? चलिए ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। आइडियल गैस हर रेंज पे टेम्परेचर प्रेशर पे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ सारे गैस लॉ फॉलो करती हैं, ठीक है, और वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है और फोर्स बेसिकली नहीं होता है। रियल गैस सारे लॉ ओबे नहीं करती है हर रेंज पे, और बॉयल्स टेम्परेचर इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड, और ऑब्वियसली रियल गैस में आपको मालूम है आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी करती है, इन्हीं चारों का उल्टा करते जाइए तो रियल गैस के पॉइंट आ जाएंगे। और आइडियल गैस कुछ है नहीं, एक मिथ कह लीजिए या हाइपोथेटिकल है। रियल गैस ओबेज एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होते, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट पर्टिकुलरली एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एंड वंडरवॉल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, इट ऑल एग्जिस्टिंग गैसेज आर रियल गैसेज, ठीक है, जितनी भी एग्जिस्टिंग गैसेज है रियल गैसेज है। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन, वन मोल ऑफ SO2 occupies 350 ml at this temperature and pressure, calculate compressibility factor. So, क्या आप compressibility factor निकाल सकते हैं? Yes. कैसे करना है? अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला वॉल्यूम इनिशियली आप भूल जाओ, ये वॉल्यूम भूल जाओ, और PV equal to NRT से एक वॉल्यूम निकालो, इस वॉल्यूम और उस वॉल्यूम का रेशियो निकालो, that will be give you it. समझ में आया? तो प्रेशर वॉल्यूम ये वाली चीज है, और Z होता है PV अपॉन दिस। अब ये वाली वैल्यू आपने पुटअप कर दी, तो ये अच्छा ये सॉरी वही वाली वैल्यू दे रखी थी, तो SO2 इज मोर कंप्रेसिबल। चलिए इस क्वेश्चन को मैं कल एक बारी चेक करके रखता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ऑब्वियसली अगले टर्न पे करेंगे। बच्चों कुछ बच्चों का फीस का वो है शायद ड्यू है, वॉट एवर, ये यार मतलब फीस वाला काम आप अपने एंड पे रखिए प्लीज, मुझे या मैम को या किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, सबको ही पता है क्या फीस है क्या है, एंड वॉट एवर ड्यूज यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ, क्योंकि कोरोना है तो हमें भी ज्यादा नहीं पॉइंट आउट करना है, तो बेसिकली आप अपने आप सोचेंगे, ठीक है, तो जिसके जो भी ड्यूज हैं प्लीज क्लियर इट इन विद इन टाइम, ठीक है। और हाँ, दूसरा पॉइंट वो बताना था आपको कि एक और बैच चल रहा है पेस कोचिंग में एट 5 to 6, अभी वहीं जाऊंगा मैं, जहां अब हम रिवीजन एंड रेगुलर दोनों चीजें स्टार्ट करेंगे। रेगुलर में तो वो दोबारा गैसियस स्टेट पढ़ेंगे शुरू से ही, तो अगर कोई बच्चे 5 to 6 आ सकते हो पेस कोचिंग में, मोस्ट वेलकम। और डाउट सेशन भी अगले वीक से रखेंगे हम, कि ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स के लिए आप फिजिकल टाइम नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है कि मंडे टू थर्सडे फ्राइडे तो आपका आगे का चलेगा, सैटरडे इज ऑलवेज फॉर डाउट्स, ठीक है। और फिजिकली आप अपने टाइम पे यहाँ भी आ सकते हो एक्सट्रीम कोचिंग में, पेस में, बस एक बार ये पहले रिंग कर दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके, हैव ए नाइस टाइम बेटा, जल्दी बोलो सर, आप ऑनलाइन रिवीजन कराएंगे गैस लॉस का? ऑफलाइन क्लासेस 5 to 6 चल रही हैं पेस में, तो मैं ये वाली ऑनलाइन ही रख रहा हूँ, और पेस में आ जाइए, कोर्स सेम कर दूंगा मंडे। और बोलो, चलो बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, आवाज में, ओके बेटा, हैव ए नाइस, नमस्ते बेटा, बाय।